वेलकम स्टूडेंट्स टू ए न्यू सेकंड पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 6 क्लास 10 ज्योग्राफी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज विनिर्माण उद्योग। इस पार्ट में हम देखेंगे कि इंडस्ट्री का हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कितना योगदान है नेशनल इकोनॉमी में, हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में, मीनिंग आमदनी को बढ़ाने में, हमारे देश में जो GDP है उसको रेज करने में कितना योगदान है इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। इसको हम सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी एक्टिविटीज भी कह सकते हैं। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है इकोनॉमी में 17.6%, सेकेंडरी सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है 27.48%, सर्विस सेक्टर जिसको हम टर्शरी सेक्टर भी कहते हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहा है 54.77%। इस वजह से देखें तो ये जो हमारे बहुत सारे ईस्ट एशिया के इकोनॉमीज हैं, चाहे वो जापान हो, चाहे कोरिया हो, चाहे आपके मलेशिया, सिंगापुर, इन सारे देशों से काफ़ी हमारी GDP में योगदान एनुअली जो हमारा है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का वो काफ़ी लोअर है, क्योंकि वहाँ पर 25% से 35% तक वहाँ की इंडस्ट्रियल सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है वहाँ की इकोनॉमी में। उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर हमारे यहाँ 27.48%, that is not so much good. अभी बात करें तो लास्ट डेकेड में, पिछले दशक में हमारे कंट्री में जो ग्रोथ रेट रही है पर एनम पर ईयर ओनली 7% रही है। तो अगर हमें एक लेवल अचीव करना है तो नेक्स्ट डेकेड में हमें कम से कम 12% पर एनम के बेस पे हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप करना पड़ेगा या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कंट्रीब्यूशन जरूर करना पड़ेगा 12% नियर अबाउट। ये कैसे किया जा सकता है, अभी बड़ा क्वेश्चन ये है। इसके लिए हम पॉलिसी इंटरवेंशन, अपनी पॉलिसीज को, अपनी नीतियों को चेंज कर सकते हैं। नीतियां कौन चेंज करेंगी? गवर्नमेंट पॉलिसीज को फॉर्म करके, चेंज करके। अगर कोई पर्टिकुलर ओल्ड पॉलिसी बेटर नहीं है, उसकी जगह न्यू पॉलिसीज को फॉर्म करके भी एंड रिन्यूड एफर्ट्स, नए नए प्रयास किए जाने चाहिए इंडस्ट्रीज के द्वारा भी, मीनिंग ऑनर्स के द्वारा भी, नए सिस्टम को, नई टेक्नोलॉजी को यूज किया जाना चाहिए ताकि हम भी कम्पीट कर सकें इकोनॉमीज में जो अदर कंट्रीज हैं उनके साथ है। तो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने एक NMCC, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल, कंपटीशन को चेक करने के लिए एक परिषद भी बना रखी हमने, राष्ट्रीय विनिर्माण कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल। 2004 में इसको बनाया गया, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी यही ड्यूटी है कि जो फिनिश गुड्स तैयार हो रहे हैं क्या वो वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे कंपटीशन कर सकते हैं या नहीं, मीनिंग उसी क्वालिटी के जो अदर कंट्रीज भी फॉर्म कर रहे हैं गुड्स, क्या वो नियर अबाउट उसी क्वालिटी के हैं या नहीं, उसी को चेकआउट करने के लिए, कॉम्पिटिटिवनेस को चेक करने के लिए ये NMCC एक ऑर्गेनाइजेशन को फाउंडेड किया गया 2004 में। अब हम देखेंगे इंडस्ट्रियल लोकेशन के बारे में, औद्योगिक कोई भी उद्योग है, फैक्ट्री है, उसकी लोकेशन कहाँ होनी चाहिए। उसकी लोकेशन बेसिकली इन्फ्लुएंस करती है इन फैक्टर्स के बेस पे। नंबर 1, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चे माल की उपलब्धता। कच्चा माल अगर अवेलेबल होगा, नियर अबाउट होगा, पास में होगा, तो नेचुरली कच्चे माल के बिना तो फैक्ट्री चल नहीं सकती, क्योंकि फिनिश गुड्स तैयार माल को बनाने के लिए हमें सबसे पहले रॉ मटेरियल, कच्चा माल चाहिए। तो जहां पर नियर अबाउट में बेटर क्वालिटी का रॉ मटेरियल मिलेगा वहीं पर इंडस्ट्री सेटअप करेगा कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट। सेकंड, लेबर मिलनी चाहिए, मजदूर अगर नियर अबाउट में मिलेंगे, बेटर मजदूर होंगे, तो नेचुरली वहां पर भी इंडस्ट्री की लोकेशन ज्यादा होती चली जाएगी किसी भी स्टेट में, किसी भी एरिया में, किसी भी कंट्री में। कैपिटल, मनी, पूंजी तो चाहिए ही चाहिए। विदाउट कैपिटल तो आप कैसे इंडस्ट्री को लोकेट कर सकते हो, कैसे डेवलप कर सकते हो, इट इज इम्पॉसिबल। इसके अलावा पावर, एनर्जी भी चाहिए, बिजली चाहिए हमें मशीन्स वगैरह को रन करने के लिए, पावर चाहिए। और फिर जो सामान बना दिया हमने, जो गुड्स हमने मैन्युफैक्चर कर दिए, उसको बेचने के लिए मार्केट, बाजार भी होना चाहिए, मंडी भी होनी चाहिए आसपास में। अदरवाइज अगर बहुत ये सारी चीजें एक जगह आसपास नहीं है, दूर दूर से हमें लानी पड़ रही हैं, तो नेचुरली हम समझ सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा हमारी इन्वेस्टमेंट, हमारा खर्चा हो जाएगा जो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। इन सारी चीज़ों के अलावा हमें चाहिए
गवर्नमेंट पॉलिसीज, सरकार की नीतियां हैं वो भी इंडस्ट्रीज को डेवलप करने वाली होनी चाहिए, चाहे वो लोन फैसिलिटीज हों, चाहे वो टाइमली इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज हों, या अदर इंफ्रास्ट्रक्चर की जो फैसिलिटीज हैं, और कोई बिजली, सड़क, पानी, ये सब चीज़ें हैं वो भी अप टू टाइम, अप टू डेट, अकॉर्डिंग टू नीड्स, रिक्वायरमेंट्स, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए उनकी भी। तो गवर्नमेंट की नीतियाँ भी इंडस्ट्रीज के फेवर में होंगी, तभी इंडस्ट्रीज लोकेट हो सकती है उस पर्टिकुलर एरिया में। स्पेशलाइज्ड लेबरर्स भी चाहिए, आपको पता होगा किसी भी इंडस्ट्री में ओनली लेबरर्स नहीं बल्कि स्पेशलाइज्ड लेबरर्स की भी या इंजीनियर्स, मैकेनिक्स की भी नीड होती है। तो जहाँ पर अच्छी क्वालिटी के इंजीनियर्स और मैकेनिक्स अवेलेबल होते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज स्लोली एंड स्टेडली सेटअप होती चली जाती हैं। तो बेसिकली यही रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी भी एरिया में इंडस्ट्रियल लोकेशन के लिए। अब हम देखते हैं कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, औद्योगिकीकरण होता है, वैसे दुनिया में सबसे पहले इंग्लैंड में, हुआ था इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसको हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। व्हेन हैंडमेड गुड्स चेंज इनटू मशीन मेड गुड्स, जब हाथों से बना हुआ सामान मशीनों से बनाया जाने लगा, उसी को हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का नाम देते हैं। सो इंग्लैंड में 1730s में ये इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा वहाँ पर सेटअप हुई, और आज तो आप देखते हो दुनिया के किसी भी देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन हमें मिलेगा, अवेलेबल है, हर देश इंडस्ट्रीज सेटअप कर रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ अर्बनाइजेशन भी फॉलो करता है, जहाँ ज़्यादा इंडस्ट्री लगेंगी वहीं धीरे धीरे शहर भी बसते चले जाएंगे। शहर क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज में जो गुड्स प्रोड्यूस होंगे उन गुड्स को मार्केट चाहिए, और मार्केट कहाँ सेटअप होगी, मंडी कहाँ सेटअप, बाजार कहाँ बनेगा, अर्बन एरिया में। तो धीरे धीरे अर्बनाइजेशन भी और इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये दोनों एक दूसरे को, इंडस्ट्रियलाइजेशन को अर्बनाइजेशन फॉलो करेगा। जहाँ इंडस्ट्री बढ़ती जाएंगी वहीं धीरे धीरे बस जाएगा, पूरा एक शहर बस जाएगा, बड़ा हो जाएगा वो शहर धीरे धीरे। तो अर्बनाइजेशन में इंडस्ट्रीज को मिलेंगी, बाजार मिलेगा बहुत अच्छा, बैंकिंग की फैसिलिटी अर्बन एरिया में मिलेंगी, इंश्योरेंस की फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी इंडस्ट्रीज को अर्बन एरियाज में मिलती हैं, लेबर की फैसिलिटी अर्बन एरियाज में इंडस्ट्रीज को मिलेंगी, कंसल्टेंट भी मिल जाएंगे अर्बन एरियाज में, और फाइनेंशियल एडवाइस, वाणिज्यिक आर्थिक रूप से सलाह देने वाले, कंसल्टेंट, विचार विमर्श करने वाले, ये सब लोग भी अर्बन एरियाज में मिलते हैं। तो इंडस्ट्रीज भी आप देखते हो अर्बन एरियाज में और अर्बन एरियाज इंडस्ट्रीज के आसपास बढ़ते चले जाते हैं। तो हम देखते हैं बहुत सारे एरियाज में जो अर्बन एरियाज फैसिलिटीज प्रोवाइड कर देते हैं, तो और वहां पर इंडस्ट्रीज डेवलप होती चली जाती हैं, इस प्रोसेसिंग को हम नाम देते हैं एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज, हम उसको नाम देते हैं, जहाँ पर अर्बन एरियाज सपोर्ट करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन को, उस सिस्टम में एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज उसको नाम देंगे हम। अब हम देखेंगे कैसे इंडस्ट्री और मार्केट का लिंकेज है, कैसे कनेक्शन है आपस में। हम देखते हैं बहुत सारे इनपुट कौन से हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल, फर्टिलाइजर्स, लेबर, वर्कर्स, मशीन्स, ये सब इनपुट्स हैं। ये सारे हम ट्रांसपोर्ट करके कहाँ ले जाएंगे, फैक्ट्री में, फिर फैक्ट्री में जो हम आउटपुट होगा, आउटपुट का मतलब जो यहाँ पर प्रोडक्शन होगी, जो यहाँ पर उत्पादन होगा, जो यहाँ पर चीज बन जाएगी, उस उत्पादन को हम फिर ट्रांसपोर्ट की हेल्प से कहाँ ले जाएंगे, मार्केट में, बाजार में, मंडी में ले जाएंगे। और मंडी में जाने के बाद नेचुरली क्या होगा, मनी मिलेगा उस सामान, उस प्रोड्यूस प्रोडक्ट के लिए। इसके अलावा आप देखते हो कि ये सारे भी, ये जो इनपुट्स हैं ये भी कहाँ पहुँचेंगे, यहीं पर मार्केट से सामान भी खरीदेंगे। इसके अलावा मनी जब इनको मिलेगा तो ये सारी चीज़ें इनपुट हैं जो वो भी मनी के द्वारा ही एस्टेब्लिश की जाएंगी। तो ये दोनों तरफ से सिस्टम प्रोसेसिंग चलती रहेगी, चेन बन जाएगी, लिंक बन जाएगा, कनेक्शन बन जाएगा इन सारों का, और ये सिस्टम चलता रहेगा आपस में। आइडियल लोकेशन एंड इंडस्ट्री, किसी भी उद्योग के लिए एक आदर्श स्थिति क्या होती है, एक लोकेशन स्थिति क्या होनी चाहिए, एक बेटर। सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चे माल की कितनी कॉस्ट लग रही है,
कच्चा माल उपलब्ध करवाने में कितनी लागत लग रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उत्पादन करने में कितनी लागत लग रही है, डिसीजन टू लोकेट फैक्ट्री, फिर आपको डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा फैक्ट्री को स्थापित करने के लिए, और इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन, उस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा नहीं, प्रोडक्ट प्रोड्यूस जो हुई है, चीज जो बनी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत ही जरूरी है। तो ये चारों जो चीजें हैं, ये चारों चीजें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, तभी जा करके कोई लोकेशन है जो एक स्थिति है लोकेटेड की जा सकती है क्या, एक इंडस्ट्री। तो यहां पर आपको यही बेसिक चीजें अंडरस्टैंड करने को मिली है कि क्या योगदान है औद्योगिक क्षेत्र का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में, इसके अलावा इंडस्ट्रीज लोकेशन के लिए कौन सी फीचर्स नेसेसरी हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन फॉलो करता है अर्बनाइजेशन को, और ये कैसे एक इंटरकनेक्शन बन गया है सारे इनपुट्स का, और ये सारी जो सिस्टम चलता है एक के बाद एक के बाद एक, और फिर मनी और आइडियल लोकेशन इंडस्ट्री का, वो अर्लियर हम डिस्कस कर ही चुके हैं, उसी को एक ग्राफ फॉर्म में या एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको प्रेजेंट किया गया। सो थैंक यू वेरी मच।